सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सब लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स पे बताओ मुझे, और होप करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो ये है हमारा मिडिल असम का नौगांव सिटी। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन सुंदर है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ एक कैलकुलेशन। मेरे एमटी का माइलेज टेस्ट होगा आज। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने 15 दिन पहले एक वो हाईवे माइलेज निकाला था, तो एमडी 15 का एफआई इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन। तो इसकी माइलेज टेस्ट करने के लिए आप लोगों को पूरा जीरो करके फिर से फ्यूल डलवा के, मतलब 1 लीटर या 2 लीटर का फ्यूल डलवा के वो करना कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता और सेफ भी नहीं है। एफआई इंजन में आप लोगों का पूरा एकदम फ्यूल ज़ीरो कर देना सेफ भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है। और उस टाइप से ना करके आप एक और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो एकदम रियल माइलेज निकालने के लिए। तो वो क्या है बेसिकली मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि जैसे कि उस टाइम पे मैं गुवाहाटी से राइड करके घर आया था। अरे रुको भैया, इससे आगे चला जाता हूँ मैं। तो हाँ, तो मैं गुवाहाटी से राइड करके आ रहा था, तो उस टाइम मेरा फ्यूल पूरा ख़त्म हो गया था। तो मैंने एक हाईवे माइलेज आप लोगों को बोला था, अप्रॉक्स जो 40 के आसपास आया था, 40 नहीं 35-40 के बीच में आया था। तो उसके बाद मेरा किलोमीटर कितना शो हो गया था मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बोल दिया था। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, और मैं इधर बोल वो ये वीडियो देख लो पहले, उधर मत जाओ। उधर मैंने हाईवे माइलेज काउंट करके बोला था, और अभी मैं सिटी माइलेज दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वहाँ से मैं जब लौट के आया तो मेरा 5365 का रीडिंग आया था मीटर पे, 5365 का मेरा रीडिंग आया था। तो उसके बाद मैंने तेल डलवाया नहीं, अभी 15 दिन हो गया होगा शायद से, हाँ। तो मैंने फ्यूल डलवाया नहीं, और ओके ओके तो फ्यूल डलवाया नहीं मैं। तो अभी मेरा किलोमीटर हो गया है 5699। तो आज मैं क्या करूँगा, पूरा फ्यूल फुल कर दूँगा। तो जब मैं टंकी पूरा फुल कर दूँगा तो उसके बाद हम इसका जो माइलेज है उसको निकाल सकते हैं बाय डूइंग सम सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन। तुम्हारा भाई है, चिल करो। अरे अरे अरे, चिल करो, मैं पूरा कैलकुलेशन करके निकाल दूंगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जितना किलोमीटर हमको उधर पहुंचने के बाद शो होगा उससे हम माइनस करेंगे 5365, क्योंकि फ्यूल डलवाने के बाद, मतलब लास्ट टाइम मैंने जब फ्यूल डलवाया था उसके बाद मेरा 5365 का रीडिंग आया था। तो उसको हम माइनस कर देंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, कि हमारा कितना फ्यूल हमने डलवाया, मतलब कितना फ्यूल हम लोगों को फिल करने में लगा आज। तो उसके बाद हम लोगों का जो माइलेज है वो निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो वीडियो में बने रहो, आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ माइलेज निकल के आया है। बेसिकली ये सिटी माइलेज होगा। जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाला था माइलेज के ऊपर वो हाईवे माइलेज था, क्योंकि उस टाइम पे मैं 120-130 के आसपास चलाया था बाइक। तो वो तो कंप्लीट एक हाईवे माइलेज है, क्योंकि ज़्यादा बाइक रेव कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली है कि मतलब माइलेज तो कम आएगा ही। तो सिटी में क्या होता है, सिटी में इतना रेव नहीं कर सकते, क्योंकि सिटी में आप मैक्स टू मैक्स कितना जा सकते हो, 80-90 उसके ऊपर तो जा नहीं सकता। तो ये होगा एक सिटी माइलेज, क्योंकि उसके बाद मैंने गाड़ी 90 के ऊपर भगाया नहीं है। बेसिकली सिटी में ही चला रहा था मैं सिटी में ही चला रहा था, तो इतना
हाई स्पीडिंग हुआ नहीं, इतना टाइम हुआ नहीं, तो एकदम नॉर्मल सा चला रहा था मैं। तो आज एक मस्त सा माइलेज टेस्ट होगा जिसमें सिटी माइलेज निकल आएगा मेरा MT15 का, जो कि वर्जन 2 है, ग्रे कलर का, मैट ग्रे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ओहो, और एक MT भाई मॉडिफाइड है। तो चलिए हम फटफट से पहुंच जाते हैं हम लोगों का जो मेरा घर के पास एक पेट्रोल पंप है, उधर पहुंच जाते हैं। तो उधर हम फ्यूल डलवाएंगे, फिर टेस्ट करेंगे कि कितना माइलेज आया है। लेट्स गो। टैंक फ्यूल करने वाला हूँ, फुल फुल फुल। सात सौ का फ्यूल आया भाई, 700 का फ्यूल लगा हमको पूरा फुल करने में टैंक, तो फुल हो गया है टैंक अभी। एज यू कैन सी, नहीं देखोगे भाई, पूरा पूरा वो है धूप के मारे पूरा स्क्रीन वो हो गया है, विजिबिलिटी ख़त्म। तो हम लोगों का 700 का वो आया, फ्यूल डलवाना पड़ा मुझे फुल करने को, तो 7.12 लीटर पेट्रोल अंदर गया इसके पेट में, और इसका रीडिंग जो था 5702 आया। तो अभी हम लोगों को करना क्या होगा कि 5702 माइनस 5365 और फिर डिवाइडेड बाय 7.12। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे माइलेज। तो यही है एक सिटी माइलेज टेस्ट मेरे MT15 का। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ ताकि वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ जाए भाई साहब, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो आने तक टाटा बाय बाय सायोनारा।